टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स सो लेट्स स्टार्ट बेसिकली आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी मीन्स जब एक ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी अटेन कर लेता है All sexually reproducing organisms exhibit events and process that have remarkable fundamental similarities. मतलब जितने भी sexually reproducing organisms होते हैं उनकी body में बहुत सारे events, बहुत सारे processes होते हैं जो लगभग लगभग similar होते हैं कहीं कही ना कहीं at the fundamental level, at the basic level उनमें कहीं कही ना कहीं हमको similarities देखने को मिलती है Even though the structures, the body structures, the cellular uh, cellular structures can be different,

Divided into three main phases, and those phases are pre fertilization, fertilization, and post fertilization. So, first we will write that the entire sexual process can be divided into three phases that is, number one, pre fertilization, number two, सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन नंबर थ्री दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्री मतलब पहले फर्टिलाइजेशन से पहले वाले प्रोसेस फर्टिलाइजेशन मतलब सिंगेमी जब जो हमारे गेमिट्स हैं वो फ्यूजन करेंगे

फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और गैमिटोजेनिस नंबर टू गैमीट ट्रांसफर मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले फर्टिलाइजेशन में क्या होता है वो जो दो गैमिट्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं तो उससे पहले उन गैमीट्स का बनना दैट इज गैमीटोजेनिस एंड देन उनको एक दूसरे के पास लाना सो so दैट वो फ्यूज हो सके दैट इज गैमीज

सो कैटेगरीज ऑफ गैमिट्स कैन बी आइसोगेमीट एंड हेट्रोगेमीज आइसो मीनस सेम या सिमिलर तो सिमिलर गैमिट या फिर आइडेंटिकल गैमिट्स हो गए आइसोगेमीट्स मतलब जिनकी मोफोलॉजी जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हों वो हो गए आइसोगेमिट फिर उसके बाद हेट्रो हेट्रो मीनस डिफरेंट जिनकी जो मोफोलॉजी है वो देखने में बिल्कुल अलग हो जो एक दूसरे बिल्कुल अलग रखते हो दिखने में पता चल जाए कि मेल गैमीट है या फिर फीमेल गैमिट है सो आइसो आर दो गैमीट्स वेन द फ्यूजिंग गैमीट्स आर मोफोलॉजिकली सिमिलर मीन्स बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं जहाँ पे आप डिफरेंस नहीं दिखा सकते कि मेल गैमीट कौन सा है और फीमेल गैमीट कौन सा है दीज टाइप ऑफ गैमीट्स आर कॉल्ड आइसो गैमीट्स आर ऑल्सो कॉल्ड होमो गैमीट्स पे होमो स भी सेम होता है तो सेम टाइप्स इन द फंजाई दैट इज आपका राइजोपस नाउ द नेक्स्ट वन इज हेट्रोगेमीट्स तो जो हैोगेमिट्स होते हैं नाम से ही बता रहे हैं हेट्रोमीन डिफरेंट गैमिट मीन

जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें भी जो रिप्रोडक्शन दिखाते हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है इन कारा का एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है उसके अलावा हमारे पास आ गए ब्रायोफाइट्स, देन आपके टेरिडोफाइट्स देन आपके जिम्नोस्पोन्स एंड एंजियो स्पॉम्स यहां पर एक नोट पॉइंट लिखेंगे इन एनिमल्स द मेल गैमीट्स आर कॉल्ड स्पॉम्स एंड प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टीज देयर इज द फीमेल गैमीट्स और द एग डेवलप इन द ओवरीज जो मेल गैमिट्स होते हैं वो फीमेल गैमिट्स के कंपेरिजन में ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं इन समर्गेनिजमेल गैमीट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एंथीरोजॉइड एंड द फीमेल गैमीट इज जनरली कॉल्ड एग और ओवम एंड द फीमेल गैमीट इज जनरली कॉल्ड एग और ओवम अब एक बार इस टॉपिक को एनसीआरटी से पढ़ लेते हैं

दो इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स ये हमने पढ़ा था कि जो सेक्सुअल प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है बहुत होता है कॉम्प्लेक्स होता है क्यों क्योंकि उसमें आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मिल जाता है इवोल्यूशन में सपोर्ट करता है बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज करेक्टराइज बाय द फ्यूजन और द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमी एंड द फीमेल गैमी फ्यूजन होगा फॉर्मेशन ऑफ जयगोडोड बनेगा दोनों गैमिन्स के मिलने के बाद एंड देन फिर एम्ब्रियोजेनेसिस जो एम्ब्रियो बनना शुरू होगा उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा फॉर कन्वीनियंस द सिक्वेंशियल इवेंट्स मे बी ग्रुप्ड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस अब इस चीज को डिटेल में पढ़ने के लिए कि ये कैसे कैसे होता है फर्टिलाइजेशन कैसे होगा जयकोट कैसे होगा एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होगा तो हर स्टेप को डिटेल में पढ़ने के लिए हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देन फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट करेक्ट सो वी हैव स्टार्टेड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट दिस इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमी अब फ्यूजन से पहले जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो सब इसके अंडर आ जाते हैं द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमिटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर गैमिटोजेनिस का मतलब मैं समझा चुकी गैमीट का जनरेट होना

जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना आइसोगेमीट्स हाइड्रोगेमीट्स यहाँ पे देखो ये दो गैमीट्स हैं और ये एक्जैक्टली सिमिलर हैं और ये किसके हैं क्लेडोफोरा इट्स एन एल्गा जिसके दोनों गैमीट बिल्कुल सिमिलर हैं सिंस पर है तो ये कैसे हो गए मोटाइल बोथ हाई मोटाइल यहाँ पर एक बहुत बड़ा है दैट इज फीमेल गैमीट एंड एक बहुत छोटा है दैट इज मेल गैमीट यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं मोफोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिफरेंट है डिफरेंट है अब यहाँ पर एक मोटाइल है और दूसरा नॉन मोटाइल है दिस इज दोगे अब दिस इज जनरली सीन इन एनिमल्स एंड ओवा एंड इसमें भी क्या होता है यहाँ पर जो फीमेल है वो नॉन मोटाइल है और जो मेल है वो क्या है मोटाइल है इसका बेसिकली जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है उगैमी ऊ गै में क्या होता है जो फीमेल होता है वो बहुत लेस नंबर्स में वन और टू में प्रोड्यूस होता है और जो मेल होता है बहुत हाई नंबर्स में प्रोड्यूस होता है और जो फीमेल गैमिट होता है वो एक ही जगह रहता है नॉन मोटाइल होता है और जो मेल गैमिट मोटिलिटी अटेन करके उसके पास आता है इन सम एलगी

मोफोलॉजी है जो उनका स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल गैमीट है इन सच ऑर्गेनिजम्स द मेल गैमिट इज कॉल्ड एंथीरोजॉइड और स्पर्म एंड द फीमेल गैमिट इज कॉल्ड एग और ओवम नाउ विल स्टार्ट विद सेक्शुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स